नमस्कार दोस्तों, आज आपका गीता कुकिंग वर्ल्ड में स्वागत है। जिन लोगों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब लाइक करना है। जिन लोगों ने पहले से मुझे सब्सक्राइब लाइक किया उनका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद है दोस्तों। हाँ दोस्तों, दिवाली आ रही है तो हमें दिवाली में अलग अलग फरसान बनाते हैं, तो आज हम बनाने जा रहे करंजी। रिजल्ट आपके सामने, देखो कितनी खस्ती और कितनी प्यारी सी बन गई और कलर भी कितना परफेक्ट है। तो आपने प्लीज मेरा पूरा वीडियो देखना है तो आपको समझ में आ गया इस करंजी का राज क्या है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर मैंने एक बाउल मैदा लिया हुआ है और एक चम्मच सूजी। यहाँ पर हम लोग मैदा डाल देंगे और सूजी डाल देंगे एक चम्मच और नमक डालेंगे चुटकी भर। और यहाँ पर हम दो चम्मच घी डाल देंगे, अच्छा वाला घी मोयन के लिए, और हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं हम, क्योंकि ये करंजी बहुत अच्छी बनती है दोस्तों। आप एक बार बनाना है और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है। और एकदम बहुत खस्ती बनती है, इसका करने का टेक्निक थोड़ा अलग है। आप देख रहे हो इसी तरह से इसको पहले अच्छी तरह से नमक और मयन और सूजी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसी तरह से कहीं जो भी हमने घी डाला था वो अच्छी तरह से मिक्स होना चाहिए मैदे में, अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं हम। मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है मोयन, आप देख रहे हो ऐसे लड्डू होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मल पानी ले लेंगे और आटा गुनगुना हम लोग बना लेते हैं। थोड़ा टाइट ही बनाना है डो, नरम नहीं बनाना है, क्योंकि हमने इस पे घी का मोयन डालना है। कभी भी आपको कुछ करना हो मैदे की आइटम तो यहाँ पे घी का ही मोयन डालना है, तेल का मोयन नहीं डालना है हमें। घी का मोयन से क्या होता है, हमारी करंजी या शक्करपारा एकदम खस्ते बनते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत कम पानी डाला है। अभी इसका डो बना लेते हैं। अभी यहाँ पर मैंने डो बना लिया है। देखो इसे डो चाहिए हमें, ज्यादा टाइट भी नहीं ज्यादा नरम भी नहीं, देख रहे इसी तरह से। अभी हम इसको 10 मिनट के लिए सेट करने को रख देते हैं। 10 मिनट हो गया, ऊपर खोलेंगे अभी आटा कितना दम अच्छी तरह से सेट हो गया है। अभी यहाँ पर हम थोड़ा घी लगा लेंगे, थोड़ा आटे को चिकना बना लेते हैं, हल्का सा घी लगा लेना है और डो को एकदम अच्छी तरह से चिकना बना लेते हैं। ये देख रहे हो कितना परफेक्ट डो हो गया है, इसके अंदर हल्का सा हमने सूजी डाला है। आप ऑप्शन है, आप सूजी डाल सकते हो तो डालना है, नहीं तो मत डालो, किसी को पसंद चकला ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने दो वाटी लिया हुआ है कोकोनट सूखा वाला, इसको मैंने इसे ग्रेट कर लिया हो, क्योंकि जब हम लोग स्टफिंग करेंगे करंजी में तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको पहले रोस्ट कर लेते हैं, यानी अच्छी तरह से भून लेते हैं, हल्का सा इसी तरह से भून लेना है हमें, क्योंकि एकदम क्रिस्पी लगती है थोड़ी ये खाने में। जब आप करंजी खाओगे तो लगेगा वाह क्या मस्त है ना करंजी, और एकदम खस्ती बनती है दोस्तों इस तरीके से बनाओगे तो। और ये झटपट बन जाती है, इसमें ज्यादा टाइम लगता नहीं कुछ नहीं। कभी भी आपको बनाना हो तो आप इसके स्टफिंग बना के रख देना है और आटा गुना और भर लिया स्टफिंग, ये एक महीने तक आराम से चल जाती है करंजी। आप किधर घूमने गए और कभी ऐसा बनाना हो तो आप इसी तरह से बना सकते हो। तभी इसकी उसको अच्छी तरह से हम लोग भून लेते हैं क्रिस्पी आने तक। भी आप देख रहे हो एकदम कोकोनट कितना गोल्डन गोल्डन, हमें ज्यादा भी इसको गोल्डन नहीं करना है, नहीं तो खाने में मजा नहीं आएगी। अभी हम यहाँ पे इसके अंदर ही हम लोग खसखस डालेंगे दो चम्मच, क्योंकि खसखस बिना मजा नहीं आती करंजी को खाने में। इसके साथ ही हमें डाल देना है, और उसके साथ ही हमें काजू भी डाल देना है। मैंने यहाँ काजू लिया, आप जो भी ड्राई फ्रूट डालना चाहते हो वो डाल सकते हो। मैं यहाँ पे मैं एकदम काजू ही डालने वाली, मुझे काजू ज्यादा पसंद है, इसीलिए आपको जो अच्छा लगा ड्राई फ्रूट आप इसके अंदर डाल सकते हो, ऑप्शन दे रही हूँ मैं आपको। ऐसा नहीं कि मैंने काजू डाला तो आपने भी काजू डालना। अभी हम गैस बंद कर देंगे, ये पूरी अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अभी इसको हम लोग थोड़ा ठंडा करते हैं और गैस बंद कर देते हैं। अभी आप देख रहे हो ये पूरा ठंडा हो गया। यहाँ पे हम ये वेलची और जायफल पाउडर डाल देंगे इसके अंदर, और यहाँ पे हम लोग 6 चम्मच शक्कर डाल गए, पिट्ठी शक्कर 6 चम्मच डालना। आपको जितना मीठा या कम मीठा होगा आप आपके हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। यहाँ पे मैं 6 चम्मच डाल देती हूँ,
आपको मीठा ज्यादा पसंद होगा तो आप और भी डाल सकते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं कि मैंने जितना डाला उतना ही। तो यहाँ पे हम लोग एकदम पूरी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं कि बहुत अच्छा लगता है। ये देख रहे हैं आपके हाथों में, बता रही हूँ एकदम कुरकुरा बन गया ये वाला। तो इससे समझ में आ रहा है हमारी करंजी बाहर से भी खस्ती और अंदर से भी खस्ती बनने वाली है, एकदम मावे जैसी। अब इसको पूरा मिक्स कर लेते हैं हाथों से बराबर। यहाँ पर मैंने पूरा मिक्स कर लिया है दोस्तों, आप देख रहे हो एकदम अच्छी तरह से एकदम खिलखिला हो गया है। हमें ऐसे इसका स्टफिंग चाहिए। आप इस तरीके से स्टफिंग करोगे तो आपकी करंजी बहुत परफेक्ट आएगी। चलो अभी नेक्स्ट प्रोसेस बताते हैं। लोग मेन चीज पे आ रहे, प्लीज ये चीज देखना, ये चीज करोगे तो आपकी करंजी एकदम परफेक्ट आएगी। यहाँ पर हमने 2 चम्मच जैसा चावल का आटा लिया हुआ है, 2 चम्मच लिया था मैंने पहले मेजरमेंट, और यहाँ पर मैं 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लावर डालूंगी। आपके पास चावल का आटा होगा तो पूरा चावल का आटा ही डालना है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हो, पर दोनों चीज आपके पास होगा तो ऐसे कर लेना है। तो यहाँ पर हम लोग घी डालेंगे क्योंकि इसका हम लोग मेन बनाने वाले, इसको कहते हैं साठा कहते हैं मराठी में। इससे हमारा क्या होता है पर्ल बहुत अच्छा आता है। अभी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, हम प्यूरी बना लेते हैं। थोड़ा और घी लगेगा मुझे, मैं पूरा ही घी डाल लेती हूँ और अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं इसको। अभी हम इसको अच्छे से फेंट लेंगे, हमें ऐसे करना है, देख रहे हो ये वो घी और कॉर्नफ्लावर, और हमने इसके अंदर चावल का आटा डाला है क्योंकि एकदम क्रिस्पी होती है। इसको 1 सेकंड जैसा हमें अच्छी तरह फेंट लेना है क्योंकि एकदम स्मूथ होना चाहिए ये। ये क्रीमी क्रीमी हो जाती है क्योंकि ये लगाने से क्या होता है हमारी करंजी एकदम खस्ती बनती है और बहुत अच्छी लगती है। देख रहे हो एकदम क्रीमी क्रीमी। तो अभी हम इसको थोड़ा साइड रखे, अभी हम करंजी का डो ले लेते हैं। पर मैंने चकला ले लिया हुआ है, डो को ले लिया हुआ है, एकदम अच्छी तरह से इसको मसल लेंगे। इसी तरह से इसको लंबा लंबा बना लेते हैं, इसको 3 में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। इसी तरह से और इसको बेलते हैं हम रोटी की जैसे। अभी यहाँ पर हम लोग सूखा आटा ले लेते हैं। मैंने मैदा ले लिया हुआ है, इसको ऐसे डस्ट करेंगे और रोटी की जैसे बेलते हैं इसको पतली वाली, क्योंकि ये पूरा देखना है दोस्तों, ये बहुत अच्छा बनता है। इसको पूरी रोटी की जैसे बेल लेते हैं। यहाँ पर मैंने पूरी रोटी की जैसे बेल लिया, जैसे रोटी का रोटी बेलते वैसे बेलना है हमें, ऐसे ही हम लोग 3 बेल लेते हैं। मैंने 3 रोटी से बेल लिए, जो आपने देखा था ये चावल और कॉर्नफ्लावर का मैंने जो साटा बनाया था क्रीम वाला, आप देख रहे हो। अभी इसको हम थोड़ा लगा लेंगे, यहाँ पे हाथों से लगाना है ऐसे। इससे क्या होता है हमारी करंजी एकदम क्रिस्पी बनती है, यानी एकदम खस्ती बनती है, जो हमारी लेयर होती है वो निकल जाती है। तो हमें इसे लगाते जाना है, हाथों से ही लगाना है दोस्तों, ब्रश से मत लगाना, क्या हाथों से क्या होता है परफेक्ट लग जाता है। इसी तरह से मैंने लगा लिया। अभी यहाँ पे हम दूसरी रोटी रख लेंगे इसी तरह से, और इस रोटी को भी हम लोग साठा लगा लेते हैं, क्रीम चावल और कॉर्नफ्लावर का बनाया हुआ है। इससे क्या होता है अच्छा पड़ता है हमारा करंजी का, और क्रिस्पी और खस्ती बनती है। और एक लगा लेते हैं, आपको जितनी लेयर चाहिए आप इसका इसके हिसाब से लगा सकते रोटी का, पर यहाँ पे मैं 3 ही लेयर करने वाली हूं। इसी तरह से लगा लेते हैं। यही मेन चीज होती है करंजी में, ये करंजी में आप बनाओगे तो आपकी करंजी कभी मतलब कड़क अंदर से कच्ची बाहर से कड़क ऐसे होता है ना, कभी कभी बिगड़ जाते हैं, तो ये इससे हमारे बिगड़ेगी नहीं करंजी। तो आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने पूरा लगा लिया हुआ है। अभी यहां से देखना है हमें, यहाँ पे रोल कर लेना है हाथों से, एकदम प्रेस करते जाना है इसी तरह से। और थोड़ा थोड़ा लंबा लंबा करते जाना है, देख रहे हो इसी तरह। आप ऐसे तुरंत काटोगे तो ये पूरा जब हम फ्राई करें तो खुल जाएगा इसका लेयर। तो इसको थोड़ा ऐसा प्रेस करते जाना है और थोड़ा हाथों से ऐसे दबा देना है,
यानी जहां भी हमारी एयर होगी वो निकल जाएगी, यानी हवा। थोड़ा खींच रही हूं मैं, देख रहे हो एकदम परफेक्ट। अभी यहां पे हम लोग चक्कू की सहायता से इसके दो दो इंच जैसे हम लोग कट कर लेते हैं। इसी तरह से कट कर लेना है दो दो इंच, आपको जितना कम ज्यादा साइज चाहिए आपके हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो दोस्तों। इसी तरह से अभी हम इसको बाउल में निकाल लेते हैं। यहां पर मैंने ले लिया, हमें ऐसे दबाना नहीं है, हमें ऐसे करके थोड़ा हल्के से क्रॉस में दबाना है। इसी तरह से देख रहे हो क्रॉस में, जब हम इसको बेलेंगे तो जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये लेयर आएगी। तो यहाँ पे हमने सूखा मैदा ले लिया हुआ, इसको ऐसे डस्ट कर लेंगे और इसको बेलेंगे। देख रहे हो लेयर कितनी आ रही है अच्छी तरह से, वो हल्के हाथों से बेलते जाना है। पूरी के जैसे बेलना है और एक जैसे ही बेलना है हमें, का भी कम या ज्यादा हमारा होना नहीं चाहिए। ये साइज देख रहे हो। अभी यहां पर हमने जो सालन बनाया था वो ले लेंगे स्टफिंग के लिए। यहां पे मैं ऐसे हाथ रख लूंगी और इसको मैं ऐसे रख लूंगी। डेढ़ चम्मच ऐसा भरना है, आपको ज्यादा अच्छा लगा तो आप ज्यादा भी भर सकते हो, पंगल पूरी के हिसाब से ही भरना है। यहाँ पे मैं थोड़ा पानी ले लेती हूँ, आप दूध भी ले सकते हो, खाली चिपकाने का रहता है। यहाँ पे पानी ले लेती हूँ, यहाँ पे साइड साइड में मैं पानी लगा लेती हूँ। आधे पे अभी इसको हम लोग ऐसे करेंगे और इसको ऐसे इसको ढक देंगे, इसको हल्के से प्रेस करते जाएंगे हाथों से, पानी से तो ये चिपक जाएगा। देख रहे हो एक जैसे ही हमारी करंजी रेडी हो गई है। अभी यहां पे हम लोग फोक ले लेंगे और इसको हम लोग यहां पे डिजाइन कर लेंगे। आपके पास जो आपको अच्छा चाहिए वो डिजाइन आप कर सकते हो। इसी तरह से मुझे ये अच्छा लगता है फोक की डिजाइन, और जल्द से जल्द हो जाता है और चम्मच घर में रहते ही सबके। यहाँ पे थोड़ा प्रेस करना है, जाके हमने जो स्टफिंग भरा था वो निकलेगा नहीं। देखो मैं हाथों में लेके बताती हूँ, है ना कितनी परफेक्ट हो गई हमारी करंजी। बाकी की सारी करंजी हम ऐसे बना लेते हैं। यहाँ पे बाकी की सारी करंजी मैंने कर ली है दोस्तों, आप देख रहे हो कितने अच्छे से पड़े, इसको पड़ गए थे। अभी इसको हम 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, बाद में इसको फ्राई करते हैं। हमें फ्राई करना है हमें करंजी, पहले ऑयल देख लेंगे, चेक कर लेंगे ऑयल अच्छे से गर्म हुआ क्या नहीं। थोड़ा बाकी है, थोड़ा अच्छी तरह से और करेंगे, बाद में इसको फ्राई करते हैं। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया दोस्तों। यहाँ पे एक बात का ध्यान देना, यहाँ पे कड़क ऑयल नहीं चाहिए, नॉर्मल ऑयल चाहिए, ज्यादा कड़क भी नहीं ज्यादा ठंडा भी नहीं। अभी यहाँ पे हम लोग करंजी ले लेते हैं, अभी इसको हम लोग फ्राई करते हैं। इसको तुरंत पलटी नहीं करना है हमें, बाद में पलटी करना है। इसके ऊपर ऑयल छिड़केंगे हम इसी तरह से। इसे दबाते जाना है, यानी लेयर हमारी अच्छी तरह से हो जाएगी। पलटी कर लेते हैं। अभी देख रहे हैं आप लेयर कितनी परफेक्ट आ गई है, इसको कहते हैं लेयर। अभी इसको हम तुरंत 10 बार हमें हाथ में लगाना है, बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे और इसको गोल्डन फ्राई करते हैं। अभी आप और बार इसको पलटी करेंगे और ये बीच बीच में इसको चलाते जाना है दोस्तों। देखो कलर और कितनी ये खस्ती बन गई है, आपको इसके सामने इसके ऊपर आ गई फूल के, तो हमें समझ में आ रहा है हमारी करंजी एकदम अच्छी तरह से हो गई है। ये देखो इसको कहते हैं पड़, है ना। तो इसे इसको गोल्डन फ्राई कर लेते हैं।
अभी आप देख रहे हो ये गोल्डन ब्राउन हो गया है, थोड़ी बबल है तो हमें समझ में आ रहा हमारा बाकी है। इसको कहते हैं लेयर, इसको लेयर वाली करंजी कहते हैं दोस्तों। भे मैं आपको निकाल के बता देती हूँ, इसको एकदम संभाल के निकालना है। मैं एक एक निकाल लेती हूँ, देख रहे हैं कितना परफेक्ट कलर आ गया है। ऐसे बाकी की सारी करंजी हम लोग कर लेते हैं। देखा ना दोस्तों मैंने कैसे बना दी करंजी, वो भी साटे की। इसको कहते हैं पड़, आप देख रहे हो ये लाइन लाइन दिख रही है, एकदम हल्के हाथों से तुरंत निकल जाता है। मैं इसको तोड़ के बता देती हूँ, एकदम क्रिस्पी हो गई है और करार है। आवाज देखना है ना, ये देखो पूरी खारी के जैसे ही मेरे हाथों में से पूरा पड़ छूट रहा है। देख रहे हैं रिजल्ट आपके सामने ही है दोस्तों। तो मुझे लग रहा है आपको मेरा वीडियो पसंद आई होगा, तो प्लीज जितना होगा था शेयर लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और दोस्तों ये शेयर करना है। धन्यवाद दोस्तों।